हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, फिर से जो है आपके लिए जो है आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ प्रॉब्लम था, इसके कारण जो है आपका क्लास जो है नहीं चल रहा रही है। लेकिन आज से जो है आपका क्लास जो है बिल्कुल रेगुलर चलेगा और बिल्कुल जो है आपके समय के अनुसार जो है क्लास चलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले, तो ये आपको मैं जो पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक का, जो भी मैथ वगैरह से यानी कि ऑल सब्जेक्ट की बात किया जाए, ठीक है, तो उनमें से जो भी नोट्स आपको मिलेगा, समझे, जो पैड ग्रुप में अभी तक जुड़े हैं, ठीक है, उनको ये मिलेगा। और जो नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर जो है आप जुड़ सकते हैं। 251 रुपये जो है मात्र फीस रखा गया है। इससे पहले 199 था, ये ऑफर में चल रहा था, लेकिन ये ना अभी 251 रुपया है, क्योंकि ऑफर में 399 रुपया को घटाकर जो है ना आपको रख दिया गया है 251 रुपया। बस इतना ही चार्ज रखा गया है आपको, ऑल यानी कि पूरे साल का रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ना मैं आपको जो नोट्स दूंगा वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएगा, और मैं आपको है ना वो तैयारी कराऊंगा। जब बोर्ड एग्जाम में आप छाप कराओगे, 450 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपका ये सपना है तो, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाया था इसमें जो है ना पूरा का पूरा ये और ये जो है ना क्लियर कर लिया था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पूरा क्वेश्चन कर लिया था, प्रश्नावली 2.2 का। और आज के इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। जहां तक हो सके मैं यहाँ पर पूरा का पूरा करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन करता है, यहाँ पर देखिए कहा क्या कर रहा है, ठीक है। कहता है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित में पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात किया, ठीक है। अब विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। आप जानते हैं यूक्लिड वाले एल्गोरिदम जो होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू और प्लस क्या होता है आर। ये इस नियम का पालन करना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए को आखिर क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, अब क्यू को क्या कहते हैं और अब आर को क्या कहते हैं, ठीक है। उन सभी चीज को बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से देख लीजिए, एक्स क्यू माइनस में पी एक्स का मान दिया हुआ, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस 3 और जी एक्स में आपको यहाँ पर मान दिया हुआ है 2x² माइनस में 2, ठीक है। इनसे जो है ना, इन संख्याओं से जो है ना आपको इसमें भाग देना है, ठीक है, याद रखना इसमें भाग देना, ठीक है। इनसे भाग देंगे तो इसमें क्या निकालना है, भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भागफल किसको कहते हैं, ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जब नियम लगाएंगे तो ए बराबर जो है ना बी क्यू प्लस क्या होता है आर। अब ए जो है ना क्या होता है, ठीक है, तो ए इस तरह से हम लोग जो है ना भाग करते हैं तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यों होता है, ये क्या होता है आर। अब तो आप जान गए होंगे सर जी, इसको बोलते हैं अच्छा भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, ठीक है इसको, और इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं सर जी, अच्छा भागफल, ठीक है, और इनको बोलते हैं शेषफल, ठीक है, गौर से देखिएगा, ठीक है, गौर से, ठीक है, शेषफल, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको भागफल और शेषफल यही ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब इनमें से, इनमें जो भी संख्या होगा इनसे भाग दीजिएगा तो ना जाकर निकलेगा भागफल और शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, चलिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ना आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस इन संख्याओं से जो है ना जी एक्स से केक्स में भाग करना, मतलब पी एक्स में आपको भाग करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 से आपको भाग करना है, एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में 5x और उसके बाद माइनस में 3, ठीक है। अब यहाँ पर गौर देखिए, यहाँ पर x के पावर में 2 है, जबकि x के पावर यहाँ पर कितना है तो 3 है, ठीक है। आपको कितना चाहिए, तो देखिए इसको आपको पुराना है इसके बराबर, ठीक है, इन संख्या को अगर इसके बराबर पुराना है तो कहने कहीं इसको पुराना पड़ेगा 3, ठीक है, तब जाकर ये 3 के बराबर होगा। तो इसको कितना कम है, ठीक है, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर को जो है ना वो 1 कम है, कहने का मतलब ये 1 का मतलब x कम है, ठीक है, क्या कम है x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप इससे गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है। तो इससे इन इन संख्या 2 से गुना करना है एक्स में, ठीक है, तो 2 से अगर गुना करेंगे एक्स में तो क्या होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और x के सामने, यहाँ पर x² के सामने नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर एक्स है तो एक्स के सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ माइनस है तो क्या देंगे, प्लस, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ, एक्स के पावर ना कुछ है तो क्या एक है, ठीक है, क्या है एक है, तो यहाँ एक है और यहाँ क्या है दो है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा, तो कहोगे सर दो वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें माइनस तीन, माइनस में तीन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का दिया हुआ, तब ये प्लस और ये प्लस दोनों को प्लस पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो पाँच दो कितना हुआ, सात हो जाएगा, और माइनस में तीन, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस यहाँ है और यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है। गौर से देखिए आपको यही संख्या से भाग करना है, ठीक है, दूसरा कोई संख्या से भाग नहीं करना, ठीक है। तो इन संख्या से भाग करना, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर से आपको वही प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ देखिए यह माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ओके। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, चलिए ठीक है, माइनस लिख दिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंक है कितना, थ्री, यहाँ पर अंक नहीं है तो पहले तीन लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो दोनों तो बराबर हो गया, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग करेंगे क्या मतलब है, एक मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर गुना करेंगे एक लिखिए, तो तीन से एक में गुना करेंगे क्या होगा, तीन ही नौ होगा, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तीन हमको लिखना है बस, ठीक है, एक नहीं लिखना, ठीक है। तो यह हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर टू है और यहाँ क्या माइनस थ्री है, तो तीन दोनों कितना माइनस छः हो जाएगा। तो इसके सामने सामने लिए माइनस और माइनस क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस छः हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस देंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या देंगे माइनस दे देंगे, ठीक है। ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे देखिए, ठीक है, नीचे क्या बनेगा, तो यहाँ पर नीचे बचेगा ए सेवन एक्स, और यहाँ देखिए घटाएंगे इसको तो क्या बचेगा, तो प्लस माइनस 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 क्या होगा माइनस माइनस माइनस, और छः तो कितना नौ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यही आपका क्या बनेगा, तो ये आपका शेषफल बन गया, क्या बने? नहीं नहीं हाँ शेषफल हो गया, सॉरी शेषफल, शेषफल, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे, तो देखिए इनको आप कहिएगा क्या भागफल, क्या कहेंगे सर जी, इसको भागफल बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस थ्री क्या हो गया आपका भागफल, ठीक है। अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है, कि भाज्य 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 और बराबर भाज्य कौन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ए वाला हमेशा भाज्य होता है, ठीक है। तो ये आपका भाज्य है, ठीक है, ये आपका क्या कहे भाजक का लगा, ठीक है। तो भाज्य लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे भाजक, भाजक लिखने के बाद जो भी यहाँ पर आएगा वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना भागफल, भाग भागफल, ठीक है, भागफल लिखिएगा, तो जो भागफल आपका आया है एक्स 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 माइनस में थ्री आया ना शायद, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही आया सर, ठीक है। यहाँ देखिए भागफल ये नीचे होता है ये वाला, यही ना आया था, बिल्कुल यही आया, ठीक है। तो यही नहीं आया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और शेषफल क्या है भाई, तो शेषफल जो है ना आपका आया है सेवन एक्स माइनस में नाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेवन एक्स, शेषफल लिख कर शेष फल, ठीक है, बराबर लिखेंगे सेवन एक्स माइनस में नाइन, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना था, ठीक है, कोई घबराने की क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। एक दो बार आप खुद बनाइएगा तो ऑटोमेटिक 100% आपको बोल रहे हैं कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स के पावर फोर माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस में फाइव, और जी एक्स का मान इतना है, तो इन संख्याओं को जो ना इन संख्या से क्या करना है भाग करना है, ठीक है। तो चलिए हम भाग करके आपको हम लिख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास से, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दो दिया हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास एक्स के पावर फोर और उसके बाद माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर प्लस में फोर एक्स, और उसके बाद प्लस में क्या है फाइव, ठीक है। और यहाँ पर जी एक्स का जो मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में वन, और माइनस में क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये अपने रूप में नहीं है, इसको सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सजाएंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये माइनस में तो माइनस में एक्स लिख दिया, और ये प्लस में तो इधर ले आएंगे तो प्लस में वन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, ठीक है। तो इस इतना से आपको क्या करना है, इतना में आपको भाग करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ले देंगे माइनस में एक्स, प्लस में वन से आपको क्या करेंगे भाग करेंगे, तो एक्स के पावर फोर ले देंगे माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस में फाइव, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है भाग करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया हूँ, यहाँ पर लिखा था, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक्स के पावर कितना है दो है, और एक्स के पावर कितना है चार, ठीक है। तो इसको कितना कम है,
दो कम है, ठीक है, तब जाकर ये चार पूछ जाएगा, ठीक है। तो एक्स के पावर दो कम है, दो एक्स के पावर दो और एक्स के पावर दो मिलाकर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर फोर हो जाएगा, तो एक्स के पावर फोर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, जबकि यहाँ क्या है, ये प्लस में, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस में होता है, ठीक है। तो चलिए माइनस लिख देंगे और माइनस लिख दे, ठीक है। और एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो जब एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुना में पावर जुड़ता है। तो दो एक कितना होगा, तीन हो जाएगा, तीन और एक्स क्यों हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में क्या लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे, हाँ जी, माइनस में लिखेंगे एक्स क्यों, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, गौर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस में एक है और जबकि यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जब एक से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से संख्या में, कोई भी संख्या में गुना करें या कोई भी अंक में गुना करिए तो उतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम अब क्या करेंगे, चीन चेंज करेंगे। तो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, वहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले देंगे माइनस, ठीक है, और यहाँ ले देंगे प्लस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक से ऊपर फोर, एक से ऊपर फोर, ये प्लस में माइनस में घट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस में फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर है ना माइनस में फोर एक्स स्क्वायर, इससे पहले आपको क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब वाला उतारना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, एक्स स्क्वायर से पहले क्या आता है, एक्स क्यूब आता है ना जी, एक्स क्यूब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उतार देना होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखिए माइनस यहाँ पर लिखेंगे, तो अब इसमें बचा क्या, ठीक है। तो आपके पास बचा प्लस में चार एक्स, प्लस में चार एक्स, प्लस में क्या लिखेंगे, फाइव, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ पर एक्स क्यूब है, ठीक है। तो इसके पास एक कम है तब ना जाकर ये तीन पूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम तो मतलब एक्स कम हुआ, ठीक है। तो चलिए एक्स क्यों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन संख्याओं से यानी कि माइनस एक्स से आपको गुना करना है प्लस एक्स में, ठीक है। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स में गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस में, और एक्स से एक्स में गुना करें क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस में एक है और प्लस में क्या है, एक्स है, ठीक है। तो एक से एक्स में गुणा में क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना साइन चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर माइनस में, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये माइनस में चार एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर है, जिसको घटाएंगे तो माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर बचेगा ना जी, बिल्कुल बचेगा, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको घटाएंगे तो चार एक्स में से एगो एक्स चला जाए तो क्या बचेगा, तीन एक्स बचेगा, ठीक है। तो प्लस में तीन एक्स और प्लस में क्या होगा, फाइव, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है, तो सबसे पहले आपको माइनस देना है, और यहाँ पर अंक तीन है जबकि इसके पास कोई अंक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वो अंक लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बराबर अंक भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में तीन, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो दोनों तो मिल ही गया, ठीक है। तो माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यों, अब कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक से स्क्वायर से गुना करेंगे तीन में, क्योंकि यहाँ पर माइनस तीन है, ठीक है, तो माइनस तीन में यहाँ पर क्या है, प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एक से तीन में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से तीन में गुना तो क्या होगा, तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तीन एक्स स्क्वायर, तो तीन एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस लिख दिए, और तीन से इस तीन एक्स से तीन में गुना क्या होगा, तीन एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो तीन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस में, यहाँ पर क्या माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस में, और तीन से एक में गुना क्या होगा, तीन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर कैंसिल, ये भी कैंसिल, और पाँच से तीन कितना हुआ, आठ हो गया, ये हमारा क्या होगा। तो आपको शेषफल और भागफल निकालना था, ठीक है। तो भागफल तो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, भागफल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भागफल, ठीक है, भागफल लिख के एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में थ्री, और उसके बाद शेषफल लिख के शेषफल, ठीक है, शेषफल लिख के, और कितना आया, शेषफल नीचे वाला हमेशा शेषफल हुआ आर कमान, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर तीन के बढ़ते हैं। तीन में कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया, गौर से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन है कि पी एक्स बराबर जो है ना एक्स स्क्वायर इसके पावर फोर, उसके बाद माइनस में फाइव एक्स और प्लस में सिक्स कमा जी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो टू माइनस में क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, टू टू माइनस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है।
अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अपने रूप में नहीं तो इसको है ना क्या करेंगे, अपने रूप में करेंगे ठीक है। तो माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो प्लस में टू लिख देंगे ठीक है। इतना अब इन संख्या से आपको क्या करेंगे, इन संख्या में भाग करना ठीक है। तो एक्स के पावर फोर यहाँ पर माइनस में फाइव एक्स और प्लस में छ में आपको भाग करना है कि माइनस में एक्स प्लस में टू से ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में टू से भाग करना ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा ठीक है। तो माइनस यहाँ पर लिख दीजिए ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हो गया और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ठीक है। और एक्स के पावर दो है जबकि एक्स के पावर यहाँ पर चार है, तो इसको दो तो चाहिए ना जी, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर देखिए गए ऐसे इसको करेंगे, ई वाला देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर ये वाला हुआ और ये वाला माइनस में एक्स गुना में माइनस में एक्स स्क्वायर ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ठीक है। और एक्स का तो एक्स लिखा जाएगा और गुना में पावर जुड़ता है तो दो दो कितना हो चार, तो एक्स के पावर क्या हो गया यहाँ पर फोर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स के पावर फोर ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है जबकि ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ठीक है। तो टू से एक्स में गुना क्या होगा टू एक्स, माइनस में टू एक्स लिख दीजिए ठीक है। और एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए ठीक है। ये माइनस हो जाए एक कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब एक्स टू माइनस में टू एक्स स्क्वायर पहले उतरेगा जबकि एक्स वाला जो संख्या है वो सबसे बाद में उतारेंगे ठीक है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला संख्या उसके बाद अचर पद होता है ठीक है। तो प्लस में छः लिखा हुआ ठीक है। यहाँ माइनस टू है यहाँ पर जबकि माइनस है, माइनस माइनस दोनों है ना प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो चलिए यहाँ पर माइनस लिख देते हैं ठीक है। आगे हम करेंगे तो माइनस प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ठीक है। माइनस चलिए लिख दिए, चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दोनों बराबर ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको है ना दो अंक मिल रहा है ठीक है। अंक में कितना है दो है जबकि यहाँ पर नहीं है, तो दो लिख देंगे ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दो लिख देंगे ठीक है। चलिए हाँ जी बिल्कुल ठीक है, दो लिखेंगे ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका है ना माइनस में टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस में टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। चलिए अब यहाँ पर माइनस में प्लस में दो है जबकि यहाँ पर माइनस में दो है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा ठीक है। और दो से दो में गुना क्या होगा चार हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में फाइव एक्स और यहाँ पर बचेगा छः चार दस, प्लस में क्या होगा दस बचेगा ठीक है। तो माइनस में फाइव एक्स और प्लस में दस बचेगा ठीक है। भागफल तो कितना आया, भागफल आपका आया है माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में टू और शेषफल कितना आया, तो माइनस में फाइव एक्स प्लस में दस ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ठीक है कि भागफल बराबर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में टू और शेषफल बराबर यहाँ पर कितना आया माइनस में फाइव एक्स प्लस में दस, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बना लेना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर तीनों का तीनों क्वेश्चन मैं आपको है ना बनाकर दिखा दिया हूँ ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है उसके हिसाब से चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, प्रश्न कहता है देखिए गौर से, क्वेश्चन कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए और उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर भाग पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है कि नहीं है ठीक है। ये आपको बताना ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके पास है कि टी ए स्क्वायर माइनस में थ्री कॉमा और उसके बाद है ना टू टी के पावर फोर प्लस में थ्री टी क्यू माइनस में टू टी एस क्यू टू टी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर। उसके बाद माइनस में नाइन टी और माइनस में बारह, इनको क्या करना है कि आपको इन संख्या से पहले आपको इसमें भाग करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ठीक है, उससे भाग करना ठीक है। भाग करने के बाद क्या करना है कि भाग करने के बाद जो है ना आपको है ना फिर आपको एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड के बराबर करना है कि वो संख्या बराबर है कि नहीं है ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इन संख्याओं को हम भाग करके दिखाते हैं ठीक है, कि आखिर भाग आपको कैसे करना है ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख लेना बढ़िया से।
चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दो का पहला है तो दो का पहला लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं टी टी स्क्वायर है, ठीक, टी स्क्वायर, उसको माइनस में थ्री भाग करना है कि टी स्क्वायर माइनस में थ्री, और दो के पावर दो टी फोर, टू टी फोर, उसके बाद प्लस में थ्री टी, उसके बाद क्यों दिया हुआ माइनस में टू टी स्क्वायर दिया हुआ, उसके बाद माइनस में नाइन टी और माइनस में 12। अब बुक में देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिख कर बता ही रहा हूँ, ठीक है, चलिए गौर से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए इसके पास कितना है, तो इसके पास सबसे पहले अंक है दो, जबकि इसके पास नहीं अंक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अंक लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अंक दो, ठीक है, चलिए दो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर पावर देखेंगे, टी के पावर दो है, जबकि यहाँ पर टी के पावर कितना है, चार है, तो टी के पावर आपको दो इसको दे दीजिएगा, तब जाकर ये कितना बन जाएगा, तो दो टी के पावर क्या बनेगा, फोर बन जाएगा, ठीक है, चलिए गौर से समझिएगा। और उसके बाद यहाँ माइनस है, जबकि यहाँ पर क्या है प्लस में, तो तीन से और दो में गुना करेंगे, तीन दुना छः, और टी से स्क्वायर में गुना करें तो टी स्क्वायर, ठीक है, तो छः टी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर वाला फॉर्म यहाँ पर है, तो इसके सामने सामने लिखेंगे, तो माइनस में छः टी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बचा कौन, तो सबसे पहले एक क्यू वाला लिखाएगा, तब ना स्क्वायर वाला लिखाएगा, तो तीन टी और उसका क्या क्यों करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस में माइनस में दो है, जबकि यहाँ प्लस में छः है, ठीक है, तो घटाएंगे तो प्लस में क्या बचेगा, चार, और टी का स्क्वायर का टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में नौ टी जो बचा इधर, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, चलिए इतना आपको लिख देना है। फिर से आपको क्या करना है, वही काम करना है कि सबसे पहले अंक देखना है, यहाँ पर तीन है जबकि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर प्लस में तीन है तो प्लस में तीन, यहाँ पर जैसे प्लस में रहेगा वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो तीन लिख देंगे, और टी स्क्वायर है जबकि यहाँ पर क्यू है, ठीक है, तो इसके पास तीन गो है, इसके पास दो है, तो कितना चाहिए, ए वो चाहिए ना जी, तो टी लिख दीजिए, ठीक है, तो तीन टी और क्यू हो जाएगा। माइनस है यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और तीन से इस तीन में गुना करेंगे, इस तीन से तीन त्याय नौ हो जाएगा, और नौ से टी में गुना करेंगे और नौ टी, तो प्लस माइनस माइनस नौ टी इसके सामने सामने लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस करेंगे और ये क्या होगा प्लस करेंगे, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस हो गया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बचा क्या, तो फोर टी और उसका स्क्वायर, और इधर बचा माइनस में 12, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर अंक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंक चार है, तो पहले प्लस में चार लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो प्लस चार, यहाँ पर टी स्क्वायर थे, यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर हो गया, चलिए बराबर हो गया। अब तीन से गुना करेंगे, प्लस में तीन और माइनस में चार, नहीं माइनस में तीन प्लस में चार, तो गुना करेंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक है, तो फोर टी स्क्वायर माइनस में 12, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन चेंज करके इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों क्या होगा कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा जीरो बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक संख्या दूसरे संख्या का एक गुणनखंड है कि नहीं है उसको आपको जांच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ना जो संख्या दिया जाता है योगिलो है एल्गोरिदम में, ए बराबर बी के प्लस आर में, जहाँ पर ए जो है ना आपको पता है कि भाजक कहलाता है, बी जो है ना भाजक कहलाता है, और क्यू जो है ना आपका क्या कहलाता है भागफल कहलाता है, और जबकि आर जो है ना शेषफल कहलाता है। तो शेषफल आपका कितना आया जीरो, तो मतलब इसको आर एक्स बोलते हैं ना जी, ठीक है, आर एक्स कितना आया जीरो आ गया, ठीक है, तो जब आर एक्स जीरो आ गया तो हम लोग कहेंगे क्या, अतः कहेंगे अतः जो है ना वो पी जो पी एक्स कॉमा जी एक्स और पी एक्स जी एक्स का जो है ना पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है, शून्यक है या गुणनखंड इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, गुणन खंड है, इस तरह से आपको क्या करना है लिख देना, ठीक है, यही आपको आंसर पुराना था, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या करता है सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है ना दो का दूसरा होगा, ठीक है, दो का दूसरा होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है कि एक्स के स्क्वायर, उसके बाद जो है दिया हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन, और उसके बाद भाग करना है आपको थ्री एक्स के पावर फोर, और उसके बाद प्लस में फाइव एक्स की स्क्वायर फोर, फाइव एक्स क्यों है, ठीक है, यह क्यों है, ठीक है, तीन हो गया, तीन इसको सही से लिख देते हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में 7x² प्लस में 2x प्लस में 2, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको भाग करना है, यहाँ पर जो भी मान आएगा हम देखेंगे एक दूसरे के क्या गए हैं, शून्य बराबर है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ कितना अंक, तो 3 दिया हुआ, ठीक है। तो अंक यहाँ पर है तो नहीं है, तो सबसे पहले आपको लिखना है वो अंक, ठीक है, 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स के पावर 2 है जबकि एक्स के पावर कितना है, 4 है, तो जब इसको भाग किया जाए तो इसको 2 मतलब आएगा ना जी, इसके बराबर करना है ना, मतलब 4 के बराबर करना है आपको इस 2 को, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए, तो 2 चाहिए, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 3x के पावर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए प्लस में है, यहाँ पर क्या है प्लस में, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3x से गुना करेंगे 3x² में, ठीक है। तो 3x से अगर हम गुना करते हैं 3x² में, तो 3 क्या है, 9, और x के पावर 1 यहाँ पर 2, ठीक है। 2 एक कितना और 3, इसके पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 क्या है, 9, मतलब गुना में पावर जुड़ता है, मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है। तो 3x² में गुना किए हैं 3x से, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, तो 3x के पावर 9x के पावर क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 9x के पावर क्यों, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है जबकि ये प्लस में, ये भी प्लस, प्लस 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 लिख दिए, और एक से 3x² में गुणा में 3x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस से यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर से माइनस 9 में से 5 जाएगा, तो क्या होगा, माइनस में 4, और एक्स का क्योंकि एक्स क्यों हो गया, ठीक है, यहाँ माइनस में, यहाँ पर भी माइनस, माइनस 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 हो जाएगा, और 7 × 10 x² हो जाएगा, प्लस में 2x और प्लस में 2 जो बचा वो मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x के पावर 2 है जबकि x के पावर यहाँ पर 3 है, पहले अंक कितना है, 4, तो पहले अंक आपको 4 लिख देना है, ठीक है। तो माइनस में 4 हो गया, और ये इसके पास एगो x कम ही है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 2 एगो है, तब जाकर 3 को पड़ेगा, एगो देंगे तब 3 को पड़ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में एक्स के पावर 4x³ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस में है जबकि यहाँ पर माइनस में, ठीक है, यहाँ पर माइनस में, ठीक है, दिख रहा है ना जी, बिल्कुल माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस और -3x, यहाँ पर देखिए -3x और -4x, ठीक है। तो -3x से गुना करेंगे माइनस में 4x, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 × 12, और x से x में गुना किया x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस और 12x² हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 से 4x में गुना करने का, 1 से 4x में गुना, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x² बचेगा, और इधर क्या बचेगा भाई, ठीक है। तो इधर जो है ना 4 और 2 कितना हुआ, 6, तो प्लस में 6x बचेगा, प्लस में 2 बच जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको फिर से क्या करना है, भाग करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x² है, x², यहाँ पर भी ये दोनों बराबर, लेकिन यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो प्लस में 2 लीजिए, ठीक है। 2 लिखने के बाद ये क्या होगा, तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस में 3 और यहाँ पर भी प्लस में 2, ठीक है। तब 3x में 2 से गुना, तो 3 × 6x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 6x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर भी प्लस 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 प्लस, और 1 से 2 में गुना क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ पर जब भी 0 आ जाएगा तो एक दूसरे क्या है, बहुपद है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। जब तक 0 नहीं आया तो कहेंगे नहीं है, ठीक है। जब मतलब कोई शेषफल, यहाँ पर कोई अंक आ गया, ठीक है, यहाँ पर कोई अंक आ गया तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए जो है ना Rx बराबर क्या लिखेंगे, 0, ठीक है, Rx बराबर 0। तो Px इसीलिए Px का जो है ना Px, Gx का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करना है, इतना लिख देना, ठीक है, हो गया, क्या आ गया, आराम से हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि 3x के पावर क्यू माइनस में
एक्स के पावर क्यूब माइनस में 3x प्लस में 1, और यहाँ पर एक्स के पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x जो यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। इनको क्या करना है, इन संख्या से इनको भाग करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यह आपके पास क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। चलिए आप समझिए, ठीक है। तो एक्स के पावर यहाँ कितना है, 3, ठीक है, जबकि यहाँ पर एक्स के पावर कितना है, 5, ठीक है। तो इसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहोगे सर इसके पास 5 रुपया, इसके पास 3 रुपया, तो 2 रुपया और दे दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक्स के पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर माइनस में है जबकि यहाँ पर क्या है, प्लस में, ठीक है, प्लस में। तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस क्या होगा सर, ये माइनस हो जाएगा, और 3x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो क्या होगा, 3x क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जैसे गुना करते हैं तो गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है ना जी। तो माइनस 3x हो गया और यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर नहीं कुछ, तो एक तो दो एक कितना होगा, तीन, तीन तीन से तीन, और एक्स एक्स के पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 3x क्यों, ठीक है। अब यहाँ प्लस में, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक से एक्स एक्स स्क्वायर में गुना करते एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस में 4x जबकि प्लस में 3x, माइनस में 4x क्यों जबकि प्लस में 3x क्यों है, ठीक है। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में एक्स क्यों बचेगा ना जी, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, और एक्स एक्स में गुना जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x क्यों हो जाए, 2x क्यों हो जा रहा है, 2x क्यों लिख देंगे, ठीक है। एक्स एक्स जब गुना में पावर जुटता है, जबकि जोड़ में जो है ना, या घटाव में सिर्फ जो है ना, ये जुटता है, एक्स एक्स जुटता है, पावर सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर ले देंगे, प्लस में 3x बचा, उसके बाद प्लस में 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस दिया हो तो सबसे पहले आपको माइनस लिख देना है, और यहाँ पर x के पावर 3, जबकि यहाँ पर भी x के पावर 3, दोनों में बड़ा हो तो माइनस में x क्यों लिख दिए, ठीक है। यहाँ माइनस में, यहाँ पर माइनस में, माइनस माइनस यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर देखिए अगर किसी भी संख्या में 1 से भाग करें तो वही संख्या लिखा था, इसलिए यहाँ पर वही संख्या लिख दिए, ठीक है। यहाँ माइनस में, यहाँ पर माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3x से गुना करेंगे क्या, 3x से गुना करेंगे आपको, हाँ जी 3x से गुना करना है x में, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 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 प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, ठीक है। और 1 से गुना करेंगे 1 में, तो 1 में गुना करेंगे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर, और जबकि यहाँ पर क्या बचेगा, ये भी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बचा, इधर बचा आपका एगो, एगो कितना, और 2 बचेगा, ठीक है। तो ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ से 0 आया, नहीं ना आया जी, बिल्कुल 0 नहीं आया, तो ठीक है। तो जब 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे बताइए, जब 0 नहीं आया तो हम कहेंगे सर जी ये एक दूसरे के शून्य नहीं है, ठीक है, क्या कहेंगे, एक दूसरे के शून्य नहीं है, क्या, एक मिनट, ओहो यहाँ तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प्लस होना चाहिए जी, बिल्कुल प्लस होना चाहिए, ठीक है। पूछोगे सर कैसे प्लस होगा, ठीक है, मैं एक्चुअली बताता हूँ, एक्चुअली बताता हूँ कैसे प्लस होगा, ठीक 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 ठीक, गौर से देखिए, मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर से पहले वाला काम किया, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स क्यों से एक्स एक्स के बाद 2 यानी कि एक्स के बाद 5 बन गया, ठीक है। और यहाँ माइनस है और जबकि यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है जबकि यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हटा देंगे, ठीक है, यहाँ, इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। चलिए ये हटा देंगे, ये भी हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये शून्य नहीं ना आया, 0 नहीं आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः आर का मान जो है ना, आर का, आर एक्स का मान जो है ना कितना है, 2 है, ठीक है। अतः अतः पी एक्स जो है ना, पी एक्स कॉमा जी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। गुणनखंड क्या लिखेंगे, यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे, चलिए
गुणन खंड नहीं है, यही एक को लिख देना है बस, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है ना क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 4 और 5 जो है ना हम लोग एक ही बार में कवर कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक उसके बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।